वीआई दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। फिर बता रहा हूं कराची एनएसटी के पास से पर सॉल्व करा रहा हूं छान छान के चुन चुन के क्वेश्चन। ये मोशन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हैं इतने देखो मैं अरे वर्डिंग दी वैसे बता देता हूं वीआई 2 मीटर पर सेकंड का वीआई 7 मीटर पर सेकंड था। क्या इतना मुश्किल सवाल नहीं है। मास 5 kg है टाइम 10 सेकंड है और फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए तो हमारे पास भाई ये फार्मूला था। अब ए कैसे आएगा vf minus vi upon t। vf final speed 7 है initial 2 है time 10 है 5 upon 10। तो भाई आपको फोर्स चाहिए तो बहुत आसान है। मास 5 है ये कितनी आ रही है 5 upon 10 मल्टीप्लाई कर दें 2.5 न्यूटन या आपके पास फोर्स आ जाएगी। टाइम का नाम क्योंकि 10 था फाइनल वेलोसिटी से हमने इसको सॉल्व किया मास हमारे पास दिया है। एक और सवाल बड़ा अच्छा सवाल है टाइम पूछ रहे हैं। देखो एफ इक्वल टू एम ए की रिलेशन से ए भी तो हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई एफ अपॉन एम 100 को डिवाइड कर दो 50 से 2 न्यूटन आ जाएगा। तो टाइम के लिए वही सेम सिचुएशन है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो वी एफ तो जीरो है माइनस 20 ए टू है माइनस। अब देखो ऑफ कोर्स टाइम जो है माइनस में नहीं होता तो कोई बात नहीं यार टाइम माइनस में आपको किसने कहे कि नहीं यार आप सिंपल सी बात है टाइम ये 10 सेकंड हो जाएगा। अब एक और बड़ा अच्छा सवाल था कि बॉडी वी आई जीरो है फिर फाइनल वेलोसिटी 72 होती है डिस्टेंस 100 मीटर है मास 50 kg है तो फोर्स डालेंगे। फिर वही बात है कि मास है अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो मेरा मसला हो जाएगा। एक्सेलरेशन वही होता है वी एफ माइनस वी आई। वी आई तो जीरो है डिवाइड इससे करेंगे डिस्टेंस से 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर फार्मूला हमारा। तो जी एस मेरा है 100 मीटर ये है ना 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। यार इक्वेशन ऑफ मोशन ये लगानी है। अब वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे मेरे भाई तो ये हमारे पास आ जाएगी 20। ये 0-0 मर जाएगा ये 2-2 कट जाएगा हमारे पास और वी एफ स्क्वायर है तो एक 20 और भी है ठीक है जी ये 0 भी कट जाएगा। फाइनल हमारे पास इस तरह से एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों ठीक है। तो कोई इतने मुश्किल सवाल नहीं थे। एक्सेलरेशन जब आ जाएगा तो ये 2 ये 0 एक 2 बचेगा 100 न्यूटन या हमारी फोर्स है। कराची एनएससी की पहली बार फिर मैं बता रहा हूँ इवनिंग की अभी पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई है आएगी तो फिर मैं बता दूंगा। अभी मॉर्निंग का ये टेस्ट मोस्ट सस्पेक्टेडली नवंबर के लास्ट वीक में हो जाएगा ठीक है जी। फॉर्म चल रहे हैं ऑनलाइन फ़ौरन जमा करा दें। अब एक बात जो लोग फेडरल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हैं या फिजियोथेरापी का दे रहे हैं दाऊद का दे रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यार जो जो भी पास पेपर्स में आते हैं। कराची एनएससी का भी आप टेस्ट दे रहे हो तो जो एनईडी के पास पेपर की सोल्यूशन की प्ले लिस्ट है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अक्सर वही सवाल जो एनईडी में है वही कराची एनएससी में उठा लेते हैं।